बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम राना बिशारत अली है। इस वक्त मैं यूनाइटेड नेशन इक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में हूँ। मेरी एक साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि जिसमें मैंने दिखाया था ये सारी जगह इंडिया और इसराइल के फंड से पाकिस्तान को तोड़ने के खिलाफ साजिशों से भरे बैनर लगे हुए थे। बहुत बड़ी यहाँ पे कैनपी लगी हुई थी जिसमें बलूचिस्तान की आज़ादी मांगी जाती थी, सिंध की आज़ादी मांगी जाती थी। खैर, मेरे और मेरे दोस्तों की कोशिश के बाद वो 270 से ज़्यादा वेबसाइट और ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया प्रोपोगंडा करती थी पाकिस्तान को तोड़ने के खिलाफ दुनिया भर में, उन पर हमने बैन लगवाया। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त उनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ बैनर नहीं लगा रही और वो बैन हो चुकी हैं। तो हमने कश्मीर सॉलिडारिटी के लिए अपनी हैसियत में यहाँ पर इक़वामे मुत्तहिदा के बिल्कुल दफ्तर के बाहर कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए ये हमने कैंप बैनर्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को तोड़ने के खिलाफ दुनिया भर में इंडिया और इसराइल की लॉबी सालाना करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, खास तौर पर ऐसी जगहें जहां पर इक़वामे मुत्तहिदा में जहां पर डिसीजन मेकर लोग होते हैं, जहां पर दुनिया के एम्बेसडर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वहां पर पाकिस्तान का एक घिनौना चेहरा दिखाने की इंडिया कोशिश करता था। हमें पाकिस्तान को हफाजत की जरूरत है। जहां पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी हुकूमत से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जहां हमें अपने आर्मी के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए ज़रूरत है, वहां हमें ऐसे महाजों पर भी जंग लड़ने की ज़रूरत है, ऐसे प्रोपेगंडों को भी तोड़ने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को बदनाम और पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें दुनिया भर में करते हैं। इंशाल्लाह हमने 270 से ज़्यादा वेबसाइट और ऑर्गेनाइजेशन को इक़वामे मुत्तहिदा से बैन करवाया और इंशाल्लाह आइंदा भी कहीं भी मादरे वतन के लिए हमारी जान देने की ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह हम अपनी जान जरूर देंगे, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे प्रोपेगंडों को यहाँ पर बैठ के जवाब जरूर देते रहेंगे। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।